आज तो अपने घर की सफाई खत्म कर मैं करूंगी अपने कुछ खास दोस्तों से मुलाकात। उनके साथ बताऊंगी कुछ हैप्पी हैप्पी मोमेंट्स। वैसे मुलाकात तो की हमारी टीम सास बहू और बेटिया ने एक सितारे से भी, जिन्होंने की हमारे साथ शेयर अपनी लाइफ की ढेर सारी गुड न्यूज। कौन है ये, आइए दिखाते हैं। रिशिना खंदारी की दिवाली शॉपिंग। शुरू हुई दिवाली की तैयारी। जब भी आता है त्योहारों का मौसम, ऐसे में मन उत्साह से भर उठता है और दिवाली का त्योहार भी कुछ ऐसा ही त्योहार है। भाई जल्द ही आने वाला है दिवाली का त्योहार और ऐसे में तैयारियां करना तो बनता है ना, क्योंकि दिवाली के त्योहार के लिए करनी होती हैं ढेर सारी तैयारियां। खरीदने होते हैं दिए, पूजा की सामग्री, कंदील, लाइट्स और बहुत सारी चीजें। तो बस ऐसे ही सास बहू और बेटिया के साथ दिवाली शॉपिंग पर निकल पड़ी है रिशिना खानदारी, जो अपनी दीपावली की पूजा के लिए ढेर सारा सामान खरीदेंगी। तो चलिए सीधा चलते हैं रिशिना के पास और शुरू करते हैं दिवाली की शॉपिंग। दीपावली एक ऐसा त्यौहार होता है जिसमें बहुत सारी शॉपिंग होती है, स्पेशली पूजा का बहुत सारा सामान लिया जाता है, देवी माँ की यू नो फोटो फ्रेम ली जाती है एंड ऑल। सो हम आज क्या क्या करने वाले हैं एंड हाउ एक्साइटेड यू आर? आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि मेरी पूजा थोड़ी डिटेल्ड पूजा होती है और मैं अपनी पूजा खुद करती हूँ। मेरे यहाँ कोई पंडित जी नहीं आते हैं या यू नो ऐसे कोई हवन करने के लिए बहुत सारे लोग नहीं बैठते हैं, क्योंकि मैं खुद अपनी पूजा करती हूँ। इसलिए मुझे जो छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं वो भी खुद खरीदना पसंद है और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं जो लोकल मार्केट्स होते हैं उनमें जाके अपनी शॉपिंग करूँ, ना कि मॉल में जाके करूँ। आज हम एक एक छोटी से छोटी चीज़ जो मैं अपनी पूजा में यूज़ करती हूँ वो हम यहाँ से खरीदेंगे। दिए खरीदेंगे, तोरण खरीदेंगे, फूल खरीदेंगे और दीपावली की पूजा करेंगे। रिशिना ने सबसे पहले खरीदी पूजा की सामग्री। तो आइए रिशिना से ही जानते हैं कि क्या खास है उनकी इस सामग्री में और क्या कुछ वो खरीदती है और कैसे करती है लक्ष्मी पूजा। दीपावली की पूजा होती है, सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ कलश की स्थापना करने से। और कलश के लिए जब हम स्थापना करते हैं तो उसके अंदर छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो मैं डालती हूँ। आई डोंट नो अगर सब लोग यूज़ करते हैं या नहीं करते, लेकिन क्योंकि मैंने ये सब सीखा हुआ है एंड आई नो हाउ टू परफॉर्म माय ओन पूजा, तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो मुझे मैं करती हूँ वो ये है। एक तो ये है सप्तमाटिका, ये सात जगह की मिट्टी है, यू नो देख सकते हैं आप, जैसे राजवाड़ा, हाथी, समुद्र, रथ एंड नदी एंड घोड़े का जो अस्तबल होता है वहाँ की, हर जगह की छोटी छोटी यू नो थोड़ी थोड़ी मिट्टियाँ उठाई हुई हैं। देन देर इज़ समथिंग कॉल्ड सर्व औषधि, इसके अंदर सारी तरह की औषधियाँ जो होती हैं उनका मिक्सचर है ये। देन देर इज़ गंगा जल, गंगा जल में डालती हूँ। मुझे पंचरत्न भी चाहिए, तो पंचरत्न जो रहते हैं, जो फाइव रत्न व्हाट वी से वो रहते हैं, और एक रुपये का कॉइन। ये सारी चीज़ें डालने के बाद में उसके मेरे कलश के ऊपर नारियल और आम के पत्ते रख के फिर मैं जौ के ऊपर उसकी स्थापना करती हूँ एंड दैट्स हाउ माय पूजा बिगिंस। पंचरत्नस इनको मैं कलश में डालती हूँ सप्तमाटिका और सर्व औषधि के साथ में एंड यही पूजा करती हूँ मैं हमेशा भगवान से कि मेरा घर धन धान्य से भरा रहे और कभी उसमें कोई रोग ना हो, इसलिए यू नो सर्व औषधि एंड सप्तमाटिका की मैं जहाँ भी जाऊँ वहाँ हमेशा मिट्टी से जुड़ी रहूँ।
की लक्ष्मी पूजन में सबसे ज्यादा महत्व होता है फूलों का, और लक्ष्मी माँ का फेवरेट फूल है कमल का फूल। वैसे आपको बता दें, कमल के फूल की खरीदारी के साथ साथ ऋषिना ने अपने हाथों से ये फूलों का तोरण बनाया, जिससे वो अपना घर सजाएंगी। हिबिस्किस कहते हैं, हिबिस्किस मतलब जासवंदी का फूल। पूजा में जासवंदी के फूल की बहुत महत्वता होती है, एंड ऐसा कहा जाता है कि गणपति जी को एंड बहुत सारे भगवानों को जासवंद का फूल बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड क्योंकि हम दिवाली की शॉपिंग कर रहे हैं, तो हमारी महालक्ष्मी जी का जो सबसे फेवरेट है वो है, दादा दिखाइए, कमल लोटस। ये लक्ष्मी जी को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो अगर आप ये चढ़ाएंगे तो लक्ष्मी जी आपसे बहुत 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 प्रसन्न होंगी। दिवाली दियों के बिना अधूरी है, क्योंकि हर घर में दिए जगमगाते हैं और चारों ओर रोशनी और खुशियां छा जाती हैं। तो ऐसे में दियों की शॉपिंग करना तो बनता है ना। वैसे आपको बता दे कि ऋषिना मिट्टी से बने दिए खरीदती है, वो भी लोकल बाजार से। तो ये दिए हैं, सभी लोग जानते हैं। वैसे तो बहुत सारे डेकोरेटिव दिए हमें मार्केट में मिल ही जाते हैं, बहुत सुंदर सुंदर, बहुत अलग अलग, एंड स्पेशली चाइना मेक, विच वी डोंट वांट। तो क्योंकि मैं दिल से बहुत ज़्यादा देसी हूँ, एंड आई थिंक दैट मिट्टी के दियों में जो बात है, जो सुंदरता है और जो ऑथेंटिसिटी है, वो सिर्फ इनमें ही मिलती है। सेकेंडली, मुझे ऐसा लगता है कि हमें बार्गेन नहीं करना चाहिए आज के दौर में, स्पेशली बिकॉज एवरीबडी इज़ ट्राइंग टू बाउंस बैक फ्रॉम सर्टन थिंग विच वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट, और दे डिसेंटली प्राइज। यहाँ बॉम्बे में हमारे यहाँ पे 50 rupees डर्जन, मतलब 12 दिए 50 रुपये के हैं, तो आई डोंट थिंक हमें बार्गेन करने की कोई ज़रूरत है। एंड स्पेशली बाई दिस, आई थिंक दिस इज़ वोकल फॉर लोकल, एंड मैं आंटी की हेल्प भी कर रही हूँ इस तरह से, सो आई डोंट थिंक वी शुड बार्गेन। लक्ष्मी पूजन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है लक्ष्मी माता की मूर्ति, लेकिन ऋषिना ने मूर्ति नहीं खरीदी, बल्कि उन्होंने एक फोटो फ्रेम खरीदा है, जिसमें लक्ष्मी माँ, सरस्वती माँ, गणपति बापा है, और इसी के साथ है लक्ष्मी माँ का मंत्र भी। तो हम मूर्ति देखने आए थे वैसे तो लक्ष्मी जी की, लेकिन मुझे अभी अभी किसी ने कहा है कि जब हम मूर्ति की स्थापना करते हैं तो हमें उनका विसर्जन भी करना पड़ता है, और विसर्जन मैं बहुत सैड हो जाती हूँ, तो मुझे विसर्जन नहीं करना है मेरे भगवान का, एंड दैट्स व्हाई वी हैव कम टू सी द फोटो फ्रेम। तो ये महालक्ष्मी जी की फ़ोटो फ्रेम है, तो इस फोटो फ्रेम में सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें माता सरस्वती भी हैं, गणपति जी भी हैं, और माँ लक्ष्मी भी हैं, एंड लक्ष्मी जी की आरती लिखी हुई है, सबसे अच्छी बात यह है। सो जब भी हम इस फ्रेम को देखेंगे तो हम साथ में इस आरती को पढ़ सकते हैं, विच इज़ सो गुड। दिवाली की शॉपिंग हुई पूरी, लेकिन शॉपिंग करने में जो इतनी मेहनत की है और पसीना भी तो बहा है, तो ऐसे में ऋषिना पहुंची गन्ने का जूस पीने के लिए, जो उनका फेवरेट है। ओह, बड़ी ठंडी है, ओह आई एम स्वेटिंग, ओह माय गॉड। इतनी गर्मी में हम शॉपिंग कर रहे हैं दिवाली की, और अक्टूबर नवंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता, दिस इज बॉम्बे मेरी जान, यहाँ पे काफी अच्छा वेदर होता है, काफी अच्छा, आप देख सकते हैं कितना अच्छा। सो वी हैव डिसाइडेड कि हम थोड़ा सा गन्ने का जूस पियेंगे। मैं टेस्ट करके बताती हूँ मुझे चाहिए क्या। ओह दिस इज सो गुड, सो सो गुड। थोड़ा सा मसाला डालिए ना इसमें, बहुत चटोरी हूँ मैं, बहुत ज़्यादा। चीयर्स। श्रुति जी के राज में हमें गन्ने का जूस भी पीने के लिए मिल गया। थैंक यू। तो अश्रुति, याद है जब हम छोटे थे और गन्ने वाला घर के गली में आया करता था गन्ने का जूस निकालने के लिए, तो मम्मी हमारी क्या करती थी, वो गन्ने का जो मशीन होता है ना जूस निकालने का, उसको साफ करने के लिए स्पेशली घर से पानी देती थी और बोलती थी पहले से साफ करो। तो भाई, आप सब भी दीपावली का ये पावन त्योहार खूब खुशियों से मनाइए और कीजिए ढेर सारी शॉपिंग,
फाइनली हमारी दिवाली की सारी शॉपिंग हो चुकी है। जो जो छोटी छोटी चीज़ें मुझे मेरी पूजा के लिए चाहिए थी मैंने सब कुछ ले लिया है, एंड फोटो फ्रेम मेरी पर्सनलाइज वो लोग बना के मेरे घर पहुंचा देंगे, सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। एंड सास बहू बेटिया के साथ में आज का मेरा ये दिन बहुत 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 अच्छा था बिकॉज ऑल्सो। तो आप इसी तरह सास बहू बेटियों को अपना प्यार देते रहिए क्योंकि इनके थ्रू हमें भी आपका प्यार मिलता रहता है। आप सभी को दीपावली की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। मुंबई से श्रुति बरजात्या के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।